जब मैंने नरेशन सुना था मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे कि ऐसा भी कुछ हुआ है, क्योंकि लोगों को पता ही नहीं था। इवन मैं अभी भी बात कर रही हूँ तो मुझे ऐसे फील होता है। सबसे पहले ये प्रॉब्लम क्या होता है कि जब जो भी लड़कियां जो मुंबई में हैं, काम करने की कोशिश करी, स्ट्रगल करी, जो भी लैंग्वेज में हम कहें, जब उनके पास आजकल ऐसे बहुत प्लेटफॉर्म बन गए हैं जो बोल्ड बना रहे हैं, चीज़ें बना रहे हैं, अच्छी चीजों के लिए काम करो, बोल्ड करना खराब नहीं होता है। जॉइन फिल्म्स में और भी बहुत सारे वीडियो अवेलेबल हैं जिनसे कि आपको प्रॉपर प्रोफेशनल गाइडेंस मिलेगी। भले ही आप एक्टर बनना चाहते हो, राइटर बनना चाहते हो, फिल्म मेकर बनना चाहते हो, सिंगर बनना चाहते हो, आपको हर तरह के इस पर वीडियो मिलेंगे, भले वो फेक ऑडिशन पे हो, कि ऑडिशन कैसे देने चाहिए इस पर भी डिटेल वीडियो अवेलेबल है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फिल्मी फंडे, joinfilms.com, बॉलीवुड का गूगल, जॉइन फिल्म्स यूट्यूब चैनल, और मैं हूं आपका अपना वीरेंद्र राठौर। जॉइन फिल्म जिस तरह से अपनी कम्युनिटी के साथ आगे बढ़ रहा है, तो पक्की बात है कि कई लोगों से बार बार भी मुलाकात होगी। मैंने बहुत पहले इंटरव्यू किया था कुछ सालों पहले नाज़िम का, जो बहुत अच्छी उनकी स्ट्रगल स्टोरी थी कि किस तरह से अपने शहर में छोटे छोटे काम करके वो आगे बढ़ी, फिर मुंबई में आके मुकाम हासिल किया, सफलता हासिल की। आज दोबारा एक नई सफलता के साथ वो मेरे साथ बैठी हुई है, मेरी बहुत ही अच्छी दोस्त नाज़िम, वेलकम टू जॉइन फिल्म्स। थैंक यू सो मच। और आपकी मुलाकरम द बेस्ट एक्स एक बहुत ही अलग तरह का सब्जेक्ट, जो पुरानी रूढ़िवादिता थी उस पर आधारित ये फिल्म है। मैंने फिल्म देखी, पर्सनली मुझे बहुत अच्छी लगी। थैंक यू। और एक नई चीज जानने का मौका मिला। आप थोड़ा सा इस फिल्म के बारे में बताओ। पहले तो मैं इस फिल्म का नाम जो है मुलाकरम द ब्रेस्ट एक्स, मुलाकरम का मतलब लोगों को नहीं पता, मुलाकरम का मतलब भी टैक्स होता है। तो ट्रावनकोर करके एक जगह है केरला में, वहां पर ये एक छोटा सा गांव था जहां पर ये प्रथा थी कि अगर कोई भी औरत, नीची जात की कोई भी औरत अगर अपने ब्रेस्ट को कवर करती है तो उसे टैक्स पे करना होगा, और उस टैक्स को मुलाकरम कहा जाता है। तो एक वहाँ पर एक ब्रेव वुमन थी, नांगेली अम्मा उन्हें कहते हैं, उनका नाम था नांगेली अम्मा, जिन्होंने इस प्रथा के खिलाफ आवाज़ उठाई। और उन्होंने इतनी क्रूरता से सबको जवाब दिया कि ये प्रथा उन्हें हटानी पड़ी। और उस फिल्म में, हमारी जो फिल्म है उसमें एक और चीज़ हमने दिखाई है कि जब नांगेली अम्मा इस दुनिया में नहीं रहती है, जब ओवर ब्लीडिंग की वजह से उनकी डेथ हो जाती है, तो जब उनकी चीता जल रही होती है तो उनका पति आग में कूद जाता है, तो वो पहला हिंदुस्तान का सती मर्द है। ओ ग्रेट ग्रेट ग्रेट। ये नाज़िम, ये अपने आप में एक अलग तरह का सब्जेक्ट है। क्या एज एन एक्टर या एज ए क्रिएटिव पर्सन हम लोग इस मामले में वाकई रिच होते जाते हैं कि हमें बहुत सारी चीज़ें पता चलती हैं जो नॉर्मल इंसान को नहीं चलती हैं? Exactly. मतलब उस स्टोरी से इमोशनली गुजरना तो पड़ता ही है ना। बिल्कुल। तो जब पहली बार आपको नरेशन दिया गया था और आपको लगा था, तो कैसा फील हुआ था? ये जब मैंने नरेशन सुना था मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे कि ऐसा भी कुछ हुआ है, क्योंकि लोगों को पता ही नहीं था। इवन मैं अभी भी बात कर रही हूँ तो मुझे ऐसे फील होता है। बीइंग ए वुमन आप फील कर सकते हो, फील कर सकती हूँ, और वो जब तक कि मैं फील नहीं करूंगी मैं कैमरे के सामने परफॉर्म नहीं कर पाऊंगी। और मैंने कुछ ऐसा सोचा नहीं कि ये टॉपलेस है, ये है, वो है, क्योंकि लोगों को ये सब चीज़ें बाद में होती है। इससे पहले एज एन एक्ट्रेस मेरे लिए ये है कि मैं कितना परफॉर्म कर सकती हूँ उसमें, और उस पेन को मुझे समझना था। और जब मुझे सुनाया गया, मैंने ना आ देखा ना ता देखा, मैंने सीधा हाँ कह दिया। नहीं, जब इस तरह की फिल्म करते हैं जिसमें कि डिमांड ही है कि आपको टॉपलेस होना है, तो ये बड़ा ट्रिकी तौर से शूट किया जाता है ट्रीटमेंट। और मैंने फिल्म देखी, सबसे अच्छी बात मैं करूँगा सारे टेक्नीशियंस की, डायरेक्टर की, कि कहीं पर भी एज ए व्यूअर मेरी नजर उस तरह से गई नहीं। बिल्कुल, ये सबसे बड़ा वो था कि मेरी नजर सब्जेक्ट पे थी एज ए ऑडियंस, मतलब उसमें वल्गरिटी जैसी कोई चीज नहीं थी, उस सब्जेक्ट को बहुत अच्छे से उन्होंने ट्रीट किया। तो मेरी तरफ से उनको भी कॉन्ग्रेचुलेशंस दीजिएगा, बताइएगा जो। पर ये सब हुआ कैसे, कैसे ट्रीट किया? इसका सारा श्रेय जाता है योगेश पगारे जी को, जो कि फिल्म के डायरेक्टर हैं। उसके अलावा फिल्म में मेरे साथ अनुश्री कुशवाहा ने काम किया है, जो कि नांगेली का रोल कर रही है, और इतनी बखूबी इन्होंने, हम सब ने एक दूसरे का साथ दिया है। अब उस फिल्म को अगर आप देखेंगे तो फिल्म का डिमांड है कि वो सीन सामने से भी हो सकता था क्योंकि टॉपलेस दिखाना था, लेकिन वो न दिखाते हुए भी हमने अपनी बात बहुत ही प्यार से कही है, क्योंकि हमें सब्जेक्ट पहले दिखाना था, हमारा मकसद वो नहीं था। और उस ज़रूरत को समझते हुए, सब्जेक्ट को समझते हुए योगेश जी ने बहुत अच्छे तरीके से इसको शूट किया। और लोगों को लगता है कि टॉपलेस, अच्छा ये इन्होंने तो टॉप उतार दिया होगा, ऐसा नहीं होता है। वहाँ पर भी बहुत सारी सेफ्टी होती है, हमारी भी रिस्पेक्ट रखी जाती है, वहाँ पर सारी चीज़ें होती है, और उसके बाद एक बहुत तरीके से उसे शूट किया जाता है, बहुत अच्छे जैसे ओवर द शोल्डर किया था,
Yes. तो सिर्फ आपका एक तरह से क्लीवेज ही दिख रहा है और कुछ नहीं, या फिर बैक से शो किया गया, बैक से तो ये सब टेक्निकली किया था। मैं खासतौर से इस बात को ओपनली इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ क्योंकि जॉइंट फिल्म्स का मकसद है कि सब लोग इसको समझ पाए। कई बार क्या होता है, फीमेल एक्टर या उनके घर वाले सोचते हैं अरे यार ऐसा काम करना पड़ेगा, जबकि यूनिट बहुत रेस्पेक्ट करती है। हम लोग ज्यादा कॉन्शियस होते हैं इस टाइम पे बीइंग ए मेल की, अरे यार कुछ गड़बड़ ना हो जाए, कहीं तरह से वल्गर ना लगे, बुरा ना लगे, या आर्टिस्ट ऑकवर्ड फील ना करना शुरू कर दे। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये जो माहौल होता है, ये जो यूनिट एक तरह से मिलजुल के जो काम करती है, तो उसके बारे में आप क्या कहोगे? बहुत रिस्पेक्टफुली लोग देखते हैं पहले तो सेट पे हमें। ऐसा कभी नहीं होता कि अगर हमने ऐसी कोई फिल्म में काम किया है जहाँ पर हमने टॉपलेस दिया है या ऐसा सब कुछ दिया है, तो लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू हमारे लिए ख़राब नहीं होता, क्योंकि वो भी वहाँ पे अपना काम कर रहे हैं, हम भी अपना काम कर रहे हैं, और हमारे लिए हमारा काम एकदम प्रेयर जैसा है। जैसे अब कोई बैंक में काम करता है तो उसके लिए होता है कि मुझे बड़ी पोस्ट मिले, तो हमारे लिए अच्छा सब्जेक्ट मिलना हमारी बड़ी पोस्ट है। और आप अंदाजा नहीं लगाएंगे, ये कोई इंटरव्यू से नहीं मिलता है, बड़ी मेहनत से मिलता है, बड़ी मेहनत से मिलता है। तो वो जो काम मिलता है ना, वो हमारे लिए कितना प्यारा होता है उसका अंदाजा नहीं है। और सारा क्रू ना, आपको मैं एक शॉट बताती हूँ, जब उसमें एक सीन है कि अनुश्री कुशवाहा जो नांगेली का रोल कर रही है, वो अपने ब्रेस्ट काट लेती है और वो ब्राह्मण्स के सामने ऐसा रखती है कि जब यही नहीं रहेंगे तो आप किस चीज का टैक्स लोगे, और वो वहां पर गिर जाती है। फिर मैं रोते हुए आती हूँ अपने घर से, तो वो हमने फिल्म में नहीं दिखाया इतना, लेकिन उस सीन में मैं इतना रोई थी कि उन्होंने डायरेक्टर ने कट बोल दिया, मैं रोई रही थी। और मुझे देखकर वहां मेरा हेयर ड्रेसर, मेकअप मैन सब रो रहे थे, इतना इन्वॉल्वमेंट, इतना इन्वॉल्व होता है इंसान। तो वहां ये सब चीज नहीं होती, ओह ये तो टॉपलेस ऐसे देख लेता है, वो नजर नहीं है। वहां ये है कि कितना डूबे ये कैरेक्टर में, देखो लड़कियां हैं क्या फील कर रही है। और जब ये असली में हुआ होगा तब क्या नजारा होगा, क्या भयावता हुई होगी। बहुत ही बहुत इज्जत मिली है मुझे इस काम से, बहुत खुश हूं मैं। कमाल है, और इतने सारे लोगों ने उसको पसंद किया, इतने सारे लोगों ने देखा उसको इतने कम समय में, ये एक एक्टर की जीत है। बहुत बड़ी, क्योंकि पहले तो हम इसे फेस्टिवल्स में बहुत यहाँ वहाँ ले गए, उसके बाद जब ये जैसे यूट्यूब पर आई, हमने देखा कि एकदम से पहले तो ट्रेलर में ही 8 मिलियन व्यूज हो गए, फिर फिल्म जब हमने अपलोड की तो 4 मिलियन 5 मिलियन बढ़ते ही जा रहे हैं, फिर उसे फेसबुक पे बहुत लोगों ने शेयर किया, तो किसी के 5 मिलियन व्यूज़, किसी के 6 मिलियन, और शेयर तो इतना हुआ है। और मुझे अलग अलग स्टेट से कॉल आ रहे हैं, मतलब सोचिए मेरे लिए कितनी खुशी की बात है। मैं केरला कभी नहीं गई, तो साउथ कभी नहीं गई, वहाँ से लोगों के फ़ोन आ रहे हैं मुझे कि हमने आपकी फिल्म देखी, और मैंने उसमें बहुत बड़ा किरदार नहीं किया, छोटा सा किरदार किया, पर उसमें भी लोगों ने मुझे बहुत अप्रिसिएशन दिया, मेरे लिए तो बाप रे ये बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ी बात। और इसलिए भी बड़ी बात है कि आप डिजिटल इंडिया में, जब से डिजिटल कॉन्टेंट आने लगा है, पहले आप कोई फिल्म करते थे तब आपकी बात होती थी, तारीफ होती थी, लेकिन अब आप छोटी फिल्म में भी वो बड़ा नाम बना सकते हो। बिल्कुल, ये जो मौके बने हैं, और ये 15 मिनट की फिल्म में आप अपना बेहतरीन काम कर लो, इससे बड़ी चीज और कुछ नहीं है। ओके, अब आने वाले क्या क्या प्रोजेक्ट चल रहे हैं नाज़रीन आपके? हाँ, तो आने वाले प्रोजेक्ट ये है कि बहुत खुश हूँ मैं ये बताकर कि मेरी जो फिल्म थी रेमो के साथ भूया, जो कि एक डांस बेस्ड फिल्म है, और आई एम श्योर सबको बहुत पसंद आएगी, क्योंकि 10 बच्चों की कहानी है ये, और उन 10 बच्चों की बॉस हूँ मैं, मेरा नाम है बिट्टू उस्ताद उस फिल्म में। और ये फिल्म बहुत जल्दी आने वाली है, क्योंकि हमारी फिल्म एकदम कम्प्लीट है अब बनकर। okay. तो भूया इस साल आएगी, तो प्लीज़ आप उसे भी बहुत प्यार दीजिएगा। okay. और मुझे और खुशी हो रही बताते हुए कि मैं एक साउथ की फिल्म भी कर रही हूँ। तो उसकी डिटेल्स नहीं बताऊंगी, क्योंकि अभी ऑन फ्लोर है वो चीज़ें। और एक हिंदी फिल्म कर रही हूँ, गैंग्स ऑफ बिहार। okay. कुमार नीरज उसे डायरेक्ट कर रहे हैं, तो इस तरीके से इंशाल्लाह और काम करेंगे। okay. मैं तो यही चाहूंगा कि जितनी बार हम लोग मिले, काम की जो झड़ी है, जो लड़ी है, वो बढ़ती जाए। अब आखिर में परंपरा अनुसार जो नए खासतौर से फीमेल एक्टर आ रहे हैं, आप एक्सपीरियंस हो रहे हो, हर तरह के कॉन्टेंट पे आप काम कर रहे हो, आप क्या एडवाइस करोगे उनके पेरेंट्स को खासतौर से? और उनको देखिए, बोल्डनेस करने से पहले, जब भी आप ऐसा कोई भी सब्जेक्ट चुनते हैं, सबसे पहले पूछिए, घबराइए मत। आप ये मत सोचिए कि मैं नई हूँ तो मैं कैसे पूछूं, लेकिन जैसे या कई बार डर के मारे मना भी कर देते हैं। सबसे पहले ये प्रॉब्लम क्या होता है कि जब जो भी लड़कियां जो मुंबई में हैं, काम करने की कोशिश करी, स्ट्रगल करी, जो भी लैंग्वेज में हम कहें, जब उनके पास आजकल ऐसे बहुत प्लेटफॉर्म बन गए हैं जो बोल्ड बना रहे हैं, चीज़ें बना रहे हैं, अच्छी चीज़ों के लिए काम करो। बोल्ड करना खराब नहीं होता है, लेकिन कहानी है, फिर ठीक है उसको कौन बना रहा है, कौन सा प्रोडक्शन है। जैसे कि एक्टर का एक प्रोफाइल लिया जाता है कि आपने क्या क्या काम किए हैं,
आप किस किस लुक में बेटर दिखते हो, आपकी फोटो भी मंगवाई जाती है, तो आपका पूरा प्रोफाइल देखकर ही आपको बुलाया जाता है। उसी तरह जब आप किसी डायरेक्टर से मिलने जाते हैं तो आप पहले पूछिए अपने कोऑर्डिनेटर को, अपने कास्टिंग वाले को, कौन सा डायरेक्टर है, कोई एजेंसी है तो उनसे पूछो कौन से प्रोडक्शन के लिए कर रहे हैं हम। अच्छा ठीक है, कहानी क्या है, मुझे वन लाइनर सुना दो थोड़ा सा। क्योंकि कहीं ये नहीं हो कि आप मीटिंग में जाए डायरेक्टर से मिलने और सिर्फ वो कह रहे हो और आप जी हाँ करके घर वापस आ गए। फिर वहाँ चीज़ें खराब होती है, क्योंकि फिर प्रोडक्ट क्या बनता है, फिर वो क्या पेश होता है और आप किस तरीके से पेश होते हो, वो चीज़ें खराब हो जाती है। तो उसका ध्यान रखें बहुत ज़्यादा। ओके नाज़िम, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा मुझे। ओके, तो ये थी नाज़िम, इन्होंने बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई। पहली बात तो ये कि बीइंग ए एक्टर या बीइंग ए क्रिएटिव पर्सन, आपके पास बहुत सारे मौके होते हैं कि आप अलग अलग सब्जेक्ट पर काम कर पाओ। जब भी बोल्ड सीन की रिक्वायरमेंट आए तो उसको अच्छे से समझें, डायरेक्टर को समझें कैसे ट्रीट करने वाला है, कौन सा प्रोडक्शन हाउस है, कैसे शूट होने वाला है। सुनने के बाद, समझने के बाद आपको लगता है कि आप अनकंफर्टेबल हो, नहीं कर सकते हो, आप मना भी कर सकते हो, लेकिन मैं यही कहूँगा, सजेस्ट यही करूँगा कि सिर्फ सुनते से ही मना मत करिए, पहले समझिए और उसके बाद ना करिएगा। अगले वीडियो में फिर से मुलाकात होगी, तब तक देखते रहिए, सीखते रहिए, जमे रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।